हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेज एग करी। पता नहीं आपने पहले खाई है या नहीं खाई, एक बार खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके लिए हमें चाहिए 4 मैंने अंडे लिए हैं जो उबाल दिए हैं और छिलका उतार दिया है, एक प्याज, एक कैप्सिकम और एक, ये बड़ी थी इसलिए मैंने आधी येलो कैप्सिकम ले ली है। अगर ग्रीन कैप्सिकम है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये दो स्टेप में बनेगा, एक स्टेप में ये हम तैयार करेंगे, फ्राई करेंगे, और दूसरे में हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए चाहिए हमें 2 प्याज और 3 टमाटर। 2 प्याज हम फाइनली चॉप करेंगे, 2 टमाटर फाइनली चॉप करेंगे और 1 टमाटर की हम प्यूरी बना लेंगे, और 2 हरी मिर्च चाहिएंगे। थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है गार्निश के लिए, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। खड़े मसाले में जाएगा जीरा लिया है, 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग और 1 तेज पत्ता। सूखे मसाले में हम लेंगे नमक, आप अपने घर के स्वाद अनुसार लीजिएगा, 1/2 स्पून हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, धनिया लगभग 1 चम्मच और जीरा भी 1 चम्मच। इसके अलावा हमें चाहिएगा गरम मसाला और कसूरी मेथी। चलिए शुरू करते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने एग्स लेंथ वाइज काटे हैं, ये देखिए, इनको आप लेंथ वाइज कट कर लेंगे। प्याज भी मैंने लेंथ वाइज ही कट की हैं, कैप्सिकम भी लेंथ वाइज कट की है। चलिए शुरू करते हैं, गैस ऑन करते हैं और इनको फ्राई करते हैं। फर्स्ट स्टेप होगा इनको फ्राई करने का, सेकंड में हम ग्रेवी तैयार करेंगे। गैस मैंने कर दिया ऑन, इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल लगभग 2 चम्मच, इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ी सी लाल मिर्च, बस गर्म होने देते। और इसमें हम शिफ्ट कर देंगे अपने एग। गैस कम कर लेते हैं। धीरे धीरे पलटते रहेंगे इन्हें। चलिए इसके साथ हम ऐड कर देते हैं अपनी प्याज और कैप्सिकम। लग रहा है ना खूबसूरत? चलिए बनाते हैं। इनको पलट देते हैं।
एक बार और टर्न कर देते हैं इसको, बस उसके बाद हमारा हो गया। एक दो मिनट और पकाएंगे, बस ये देखिए लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा पक गया अच्छे से। बस इस स्टेज पे हम इसको हटा देंगे और कढ़ाई रखेंगे और ग्रेवी की तैयारी करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, गर्म होने देते हैं। और फिर इसमें सब खड़े मसाले चले जाएंगे, जीरा, दालचीनी, लौंग, इलायची और तेज पत्ता। खड़े मसाले भुन गए हैं, अब इसमें डाल लेंगे हम दो हरी मिर्च। और इसमें जाएगी फाइनली चॉप ऑनियन। इसमें चला जाएगा हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जब थोड़ी सी प्याज पक जाए। और अब हम इसको ये लीजिए फ्रेंड्स, अब इसको थोड़ी देर हम ढककर पकाएंगे और बीच बीच में देखते रहेंगे। आंच मैंने कर दी कम। लीजिए फ्रेंड्स, प्याज हमारी भून चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे ड्राई मसाला। मसाला हमारा बन चुका है, इसमें चला जाएगा चॉप्ड टमाटो, ये फाइनली चॉप है, इसको मैं डाल दूंगा। लीजिए इसको भी ढक के थोड़ी देर पकाते हैं। थोड़ा सा और पकाते हैं, थोड़ा घी और सेपरेट होने देते हैं, सॉरी तेल। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर भी हमारे पक गए अच्छे से, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर प्यूरी जो हमने बना के रखी थी। पानी इसको ढक के पकाएंगे। लीजिए फ्रेंड, हमारा मसाला भुन चुका है,
आपको जितनी पतली ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल दीजिए। मैंने एक ग्लास एक कप पानी डाल दिया है, आपको जितनी पतली ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूंगी, ये कम लग रहा है मुझे। हाफ और मैंने लिया है पानी, इसमें ऐड कर दिया। फिर से इसको ढक के पकाएंगे। लीजिए फ्रेंड्स, घी होने लग गया है सेपरेट। इसमें हम ऐड कर देंगे अपने फ्राइड कैप्सिकम, ऑनियन और एग। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। और थोड़ी सी डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। फिर इसको 5-10 मिनट और ढक के पकाएंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी वेज एग करी है तैयार। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका। बस अब इसको गार्निश कर देते हैं खूब सारे धनिए से। गैस कर देते बंद, ग्रेवी है हमारी तैयार। लीजिए फ्रेंड, हमारी एक करी हो गई है तैयार। गैस मैंने कर दिया है बंद। बनाइएगा और बताइएगा कैसी बनी। थैंक यू।